अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो कि यार मैं होली खेलने जाऊंगी और मेरे बाल खराब हो गए, तो एक आइडिया है, अगर वो अपनाओगे, वो हैक अपनाओगे, तो आप आराम से होली खेल सकते हो और आपके बाल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेंगे आंवला तेल, कोई भी आंवला तेल लो, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ कोकोनट ऑयल, अगर आपके पास कोकोनट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें, और उसके बाद में इस तेल से करें अपने सिर की चम्पी या मसाज। इस तेल को अच्छे से अपने बालों में लगाएं और अच्छे से मालिश करें, कम से कम 4 या 5 मिनट किसको मसाज दें अपने। बाद में हम करेंगे एक टाइट हेयर स्टाइल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से बालों की चोटी बना लें, तीनों या चारों तरफ से अच्छे से बालों को इकट्ठा करें और बिल्कुल एक टाइट हेयर स्टाइल बनाएं। इससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपके बाल एकदम रूखे ऐसे बेजान बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक टाइट हेयर स्टाइल ज़रूर बनाएं। अगर आपको अच्छे से होली खेलनी है और आप चाहते हो कि आपका हेयर है वो बिल्कुल एकदम सही रहे, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। अच्छे से चोटी बनाएं और कोई भी एक रबर बैंड से उसको सिक्योर कर लें। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, लुक भी अच्छा आएगा और आपके बाल भी एकदम सिक्योर रहेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट हेयर स्टाइल है होली के लिए। सो गाइस ज़रूर अपनाएं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और फिर चाहे कैसे भी होली खेलें आपके बाल एकदम सिक्योर रहेंगे। ये देखिए, अगर आपके भी नाखून ऐसे हो जाते हैं होली खेलने के बाद खराब हो जाते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हैक है, हैक नंबर 2। कोई भी नेल पेंट ले डार्क कलर की और उसको अच्छे से अप्लाई करें और उसके 3 से 4 कोट अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपके जो नेल एकदम सिक्योर रहेंगे, और अगर आपके नेल थोड़े लंबे हैं तो अंदर की तरफ भी नेल पेंट लगा सकते हो, इससे आपके अंदर से भी नेल एकदम सिक्योर रहेंगे। और फिर करेंगे हम कोई भी नारियल के तेल से अच्छे से मसाज, थोड़ी सी देर मसाज करें अच्छे से अपने नारियल तेल से। इससे क्या होगा आपके नाखून एकदम परफेक्ट रहेंगे, कोई भी कलर नहीं आएगा और आपके नाखून है एकदम रेडी होली के लिए। अब चाहे कैसे भी होली खेलें आपके नाखून में कलर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आपके भी हाथों में इस तरह से कलर लगा हो, इससे भी बचने का हैक है, हैक नंबर 3। आप फुल स्लीव की टी शर्ट्स पहनिए, हाई नेक की टी शर्ट्स पहने, जिससे आपका जो कलर है वो बॉडी तक जाएगा नहीं और जो कपड़ों में ही रह जाए। और फिर भी अगर आप हाफ स्लीव्स के अंदर होली खेलोगे तो उससे भी बचने का एक हैक है, हैक नंबर 4। जो भी कलर है उसको रिमूव कर ले अच्छे से, कपड़े से डस्ट आउट कर ले। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो अंदर तक नहीं बैठेगा। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से अप्लाई करें। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ नारियल का तेल और उससे अच्छे से मसाज करें। नारियल का तेल क्या है, एक रिमूवर की तरह काम करेगा, जो आपके जितने भी डार्क स्टेन है वो निकाल देगा उनको। ये देखिए मैं एक साफ कपड़े से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, अच्छे से मसाज करने के बाद साफ़ कर ले। आप खुद देखोगे रिजल्ट कि जो सारा का सारा कलर है वो सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर ही निकल जाएगा। आप चेक करोगे आपके हाथ पे बिल्कुल भी कलर का दाग धब्बा या स्टेन नहीं है, आपके हैंड एकदम फ्री है कलर से। सो गाइस कैसा लगा है? कभी कभी आपके फेस पे कलर लगाने से रिएक्शन हो जाता है, जलन होने लगती है। तो चलते हैं एक नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले वो स्टेप फॉलो करना है, कलर को डस्ट आउट करें, जो भी सूखा हुआ कलर है उसको डस्ट आउट कर ले अच्छे से। इसके बाद में हम लगाएंगे अपने फेस पे फेस वॉश, अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अच्छे से फेस वॉश करें, अगर आपके पास फेस वॉश अवेलेबल नहीं है तो आप एज ए एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगी। उसके बाद में अपने फेस को अच्छे से ड्राई होने दें और उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइजर डे क्रीम आप जो भी यूज़ करते हो वो अप्लाई करें। मैं नारियल का तेल अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज आपका फेस एकदम रेडी है। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल स्टाइल लीडिंग गर्ल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिए। सो गाइज मैं मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो हैप्पी होली।